लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पर लाल बटन और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। फ्रेंड्स, VIP इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। आज उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, आज उसने 52 वीक लो बनाया हुआ है नया, तो हम देखते हैं और उस पर बात करेंगे कि क्या अभी सिचुएशन है करंट। VIP इंडस्ट्री आज है 22 जुलाई 2019, समय बज चुके हैं 1:48 और NSE की साइट पे हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे स्थिति ये है कि 373 के भाव पे अभी ट्रेड हो रहा है, 26.95 रुपये की गिरावट है 6.72%। और प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी, यानी कि फ्राइडे को लास्ट, तो 400 रुपये और ओपन हुआ था 400, हाई बनाया इसने 400, लेकिन लो इसने 342 का, यानी कि आज ही इसने लो 22 जुलाई को बनाया 342 और हाई था 647। अब जो सेल क्वांटिटी है तो देखिए 6,46,000 समथिंग है, बाइंग क्वांटिटी है अगर ऑर्डर बुक में हम देखते हैं तो 1,15,000 समथिंग, तो यानी कि काफ़ी बिकवाली हुई है इसमें। और इस वजह से साल का जो हाई था और उसके मुकाबले ये आधी प्राइस पे रह गया है, हाफ प्राइस हो चुका है। एक अपने मार्केट में लीडर है VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और VIP इंडस्ट्री ने कई ऐसी कंपनियों जो इसकी पीयर कंपटीशन की जो कंपनीज थी, एरिस्टोक्रेट हो चाहे सफारी हो, उन सब का अधिग्रहण इसने कर लिया है और अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है। लगातार 2-3 सालों से इसके सेल्स ग्रोथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी लगातार ग्रोथ है, और लेकिन मार्जिन में थोड़े से दबाव है। लेकिन इस साल भी हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, अभी Q1 के जून के नहीं आए हैं, लेकिन हम Q4 के और पिछले साल के देख लेते हैं कैसे रहे इनके रिजल्ट्स। और हाँ, अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 5,299 करोड़, यानी कि एक मिड कैप की कंपनी है। EPS है, अर्निंग पर शेयर 10.28, पी रेशियो है 36.48, जबकि इंडस्ट्री पी है 26 की, और बुक वैल्यू है 41.14 की, प्राइस टू बुक है 9.12 और फेस वैल्यू है 2 की, और डिलीवरी है 60% के आसपास। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जिस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ, चाहे बुक वैल्यू चाहे प्राइस टू बुक, सॉरी बुक वैल्यू नहीं, पी या प्राइस टू बुक या फिर, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा ये शेयर प्राइस महंगा लग रहा था। अभी काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी भाग चुका था, तो मुझे भी ऐसी उम्मीद थी काफ़ी इसमें गिरावट आनी चाहिए थी, और नो डाउट अभी तो काफ़ी अच्छे नीचे लेवल पे आ चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि Q1 के रिजल्ट्स देखने के बाद ही इसमें कोई निर्णायक स्थिति होगी कि हमें और क्या करना चाहिए। जो लोग एग्जिस्टिंग इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। थोड़ा सा कंपनियाँ देखिए लगातार ग्रोथ करती करती एक रुकावट ऐसी आती है कि जहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड होता है फिर ये चलना शुरू कर देती, तो नो डाउट बाउंस बैक करेगा। और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है तो उनको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर वो चाहें तो कुछ फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़े से एवरेज करने के लिए या फिर इसमें SIP करने का समय है, जिस प्रकार से आजकल का मार्केट है। बजट के बाद काफ़ी लगातार बेयरिश है हमारी मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिलहाल अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं ईयर ऑन ईयर March 2018 से March 2019 के, और तो नेट सेल्स में तो देखिए 19.97% की अपसाइड है, जो कि March 2018 में थी 362 करोड़ के आसपास की, वही March 2019 में हो गई 434 करोड़ के आसपास की। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 27% का लॉस है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 27.87% की डाउनसाइड है, और मार्जिन में भी देखिए 5.88% की डाउनसाइड है। तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स इनके उसने प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर December 2018 से March 2019 में अगर हम Q4 के रिजल्ट से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो नेट सेल्स थी 430 करोड़, December 2018 में March 2019 में हो गई 434 की, यानी कि 1.14% की नेट सेल्स में जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 4.65% की अपसाइड है, और इंटरेस्ट भी कम हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जहाँ 23 करोड़ के आसपास थी December 2018 में, वही March 2019 में हो गई 25 करोड़ 28 लाख, यानी कि 6.08% की अपसाइड है। और मार्जिन में भी देखिए यहाँ पे 0.381% की अपसाइड है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउनसाइड है, इस वजह से भी इस स्टॉक पे काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। और प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो 53.46 की है, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स की 12 स्कीम्स हैं, FIIs 73 हैं, और इंडिविजुअल 21% के आसपास है। एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और 1.20 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने 18 फरवरी 2019 को पे किया था। टॉप सेगमेंट में 94% की जो है आय है, और फर्नीचर्स इनको 5.57% की आया, अपनी इंडस्ट्री में 5th नंबर की है।
पिरामल ग्रुप की कंपनी और 1968 से ये काम कर रही है। तो पहले फुटवेयर की कंपनी हुआ करती थी, बाद में ये फिर बैग्स वगैरह और ट्रेवल बैग्स और हैंड बैग्स सॉफ्ट बैग्स सब बनाने शुरू कर दिए थे। तब से कंपनी ने लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ की और इस प्रकार से मैंने यही कहना था कि आज इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करना होगा कोई भी निर्णायक स्थिति बनाने के लिए या कोई भी बड़ी बाइंग इसमें करने के लिए। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि 10 प्रकार के रिटर्न्स किस प्रकार रहे, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, 10 वर्षों में 3,895% के अभी भी रिटर्न्स हैं, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रिटर्न है। 10 सालों में एक मल्टीबैगर स्टॉक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर आपने 1,00,000 रुपये 10 साल पहले लगाए होते तो आपके पैसे हो गए होते 1,00,000 बन गए होते 39,00,000 समथिंग। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, 5 सालों में 230% के रिटर्न रह गए हैं और 4 सालों में 291% के रिटर्न हैं और 3 सालों में 200% के और 2 सालों में 111% के। लेकिन 1 साल से फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि अपने 52 वीक लो से काफ़ी नीचे आ चुका है, तो 1 साल से इसमें 12% के नेगेटिव हैं। ईयर टिल डेट में 27%, 6 मंथ में 24, 3 मंथ्स में 18, 1 मंथ में 15% के नेगेटिव, 1 वीक में 9% के नेगेटिव और 1 डे यानी आज भी 6.39% नेगेटिव में रिटर्न है। तो काफ़ी गिरावट है आज इसमें, 27 रुपये इसमें डाउनसाइड है। तो ये कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके आने वाले फंडामेंटल होंगे, लेकिन Q1 के रिजल्ट्स देखने के बाद ही हम कोई स्थिति बना पाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा मुझे और भी ये महंगा लग रहा है जिस प्रकार से इनके रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों, धैर्य का फल मीठा होता है, चाहें तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं या थोड़ा रुक सकते हैं। अगर और नीचे के लेवल मिलता है तो ज़बरदस्त बाइंग की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस लेवल पे भी थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है। लेकिन लंबे समय के जो निवेशक है, 5-10 साल, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसमें बने रहें, उनकी क्वांटिटी कोई कम नहीं हो जा रही है। तो यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।